बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड पीपल जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट आप सबको देने वाला हूं रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हवाले से 2021 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। और ये IBA सक्कर के हवाले से है, यानी JEST और PST के लिए है कि इसकी न्यू पॉलिसी किस तरह से है। 40% वाला पास होगा, 55% वाला पास होगा, 45% वाला पास होगा, तो इनके हवाले से एक न्यू अपडेट आई हुई है और मैं आप सबको जो है दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं एक पिक्चर पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है और जैसा कि आप नीचे ये देख सकते हैं डियर फोर वाले कि डियर फोर इन ऑर्डर टू फिल इन वैकेंसीज फॉर टीचर्स इन UCs फॉलिंग हार्ड एरिया, यानी जो हार्ड एरिया हैं इसमें से जो 40% वाला मैक्सिमम, यानी मिनिमम जो 40% जिसकी मार्क्स होंगे तो वो पास समझा जाएगा। बाकी जितने भी एरियाज़ वाले हैं इसके अलावा वो 55% पे पास है। तो अभी ये बात आती है कि हार्ड एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से हार्ड एरिया नहीं है। कौन बंदा कह रहा है कि मैं हार्ड एरिया में हूँ, कोई कह रहा है कि मैं हार्ड एरिया में नहीं हूँ। तो हार्ड एरिया वाले कौन कौन से हैं वो भी मैं एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊँगा, इस पर वहाँ पर जाके आप सबको पता चल जाएगा कि कौन से हार्ड एरिया में है, कौन से जो है हार्ड एरिया में नहीं है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हम इधर आ गए हैं और ये द डिपार्टमेंट शेल सेपरेटली मॉडिफाई UC लोकेटेड इन रिमोट का कोस्टल, यानी कच्छू माउंटेन एंड डेजर्ट एरियाज जो हैं ये सारे हार्ड एरियाज में आते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस हार्ड एरिया से रिलेटेड हैं तो वो 40% पे पास होंगे, बाकी जो है 55% पे पास होंगे। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है किस तरह से इसका क्राइटेरिया वगैरह होगा, पासिंग वगैरह, तो वो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे पास शॉर्ट सी अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक और शेयर करें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।